Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already discussed what is migration of families. I repeat it again, what is migration of family? It means move from one place to another. Okay, now today we will discuss and explain. हमने जैसे राजेश की फैमिली के बारे में पढ़ा, उसके जस्ट नीचे क्या है आपका discuss and explain. Students, you have to do this question answers in your EVS first notebook. How many members of your nearby families went out for their homes and for higher education and to complete कंप्लीट स्टडीज टू योर नेबरहुड. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि आपके बहुत सारे नेबरहुड में जो भी फैमिलीज है वो हायर स्टडीज के लिए क्यों बाहर जाते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल दिस आंसर. सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, यू हैव टू डू योर सेल्फ. नेक्स्ट, इफ यू हैव टू गो आउट फॉर स्टडीज, वॉट गुड्स यू कैरी अलॉन्ग विथ यू. अगर आप लोग बाहर जाते हैं पढ़ने तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे. यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन. अगेन, दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ योर क्लासमेट इज लिविंग इन हॉस्टल, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में कोई भी आपका स्टूडेंट क्लासमेट अगर वो हॉस्टल में रहता है, सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर. ओके, आपको इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इफ एनी ऑफ योर क्लासमेट इज लिविंग इन हॉस्टल, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम. जो भी आपका क्लासमेट हॉस्टल में रहता है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. नेक्स्ट, अगेन दिस इज योर होमवर्क. फर्स्ट टू थ्री क्वेश्चन इज योर होमवर्क. नाउ, वॉट आर द वेरियस रीजंस फॉर माइग्रेशन. स्टूडेंट्स, क्या क्या रीजन है माइग्रेशन के, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. द वेरियस रीजंस फॉर माइग्रेशन आर एस फॉलोज. फर्स्ट रीजन है फॉर हायर स्टडीज. कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, फॉर स्टडीज. नेक्स्ट रीजन क्या है स्टूडेंट, फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब. और कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि कोई बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब सर्च करने के लिए. कुछ लोग पढ़ने के हिसाब से चले जाते हैं और कुछ लोग ऑक्यूपेशन और जॉब के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज. स्टूडेंट्स, इन विलेज देयर आर नॉट बेटर मेडिकल फैसिलिटीज. वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो कुछ लोग सिटी इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि सिटी में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है एज कम्पेयर टू विलेज. नेक्स्ट रीजन क्या हो जाता है, फॉर मैरिज पर्पस. क्या होता है, कुछ जो गर्ल्स होती हैं वो रहती हैं जोधपुर और उनके आफ्टर मैरिज के बाद कोई जयपुर चला जाता है, कोई बॉम्बे चला जाता है, कोई दिल्ली. तो ये क्या हो गया, ये भी एक रीजन है माइग्रेशन का. नेक्स्ट, टू अवेल गुड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. कई बार क्या होता है, विलेज के लोग सिटी इसलिए चले जाते, कुछ लोग वर्क करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे तो उनको वहां काम करने के भी हिसाब से जाना पड़ता है. नेक्स्ट, ड्यू टू फाइट ऑन कास्ट एंड रिलीजन. कहां का ऐसा भी होता है कि फाइट होती है कास्ट और रिलीजन में तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. नेक्स्ट, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. एक ये भी रीजन है माइग्रेशन का, फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. स्टूडेंट्स, विलेज में अभी तक स्टैंडर्ड फैसिलिटी इंप्रूव नहीं हुई है. सो आजकल लोग क्या करते हैं, विलेज से सिटी माइग्रेट हो जाते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज
फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट, ड्रॉट, फूड, सुनामी, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा आर सम अदर रीजंस. और एक ये भी रीजंस है, कभी कभार क्या हो जाता है, ड्रॉट आ जाता है, फ्लड आ जाता है, सुनामी, ड्रॉट हो जाता है, मतलब ड्रॉट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अकाल. और सुनामी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ये भी रीजन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योरसेल्फ. एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर माइग्रेशन, देयर आर 8 रीजंस फॉर माइग्रेशन, यू हैव टू डू इन योर ईवीएस फर्स्ट नोटबुक. नेक्स्ट, हाउ द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेटेड पीपल डू देयर स्टडीज, अगेन दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ, कि जो चिल्ड्रन माइग्रेट होते हैं वो वहां पे कैसे पढ़ाई करते हैं. सो यू हैव टू राइट योर रिव्यूज. नेक्स्ट, व्हेन पीपल हैव टू सेटल एट न्यू प्लेस, व्हाट अरेंजमेंट्स दे हैव टू मेक, जब एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते हैं तो उनको क्या क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. इफ आई हैव टू सेटल एट न्यू प्लेस फॉर स्टडीज, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने का अगर सोचती हूँ फॉर स्टडीज, तो मैं अपने साथ क्या क्या ले जाऊंगी. आई विल टेक अलोंग विथ मी थिंग्स, मैं क्या क्या ले जाऊंगी, क्लोथ्स, चेयर, टेबल, बुक्स, यूटेंसिल्स. स्टूडेंट्स, यूटेंसिल्स क्या होते हैं, जिस जो भी बर्तन होते हैं हम उसको इंग्लिश में कहते हैं यूटेंसिल्स. स्टोव, स्टोव क्या होता है स्टूडेंट, जिसपे हम खाना कुक करते हैं. नेक्स्ट, सिलेंडर, बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ATM कार्ड एक्सेट्रा. तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने का सोचती हूँ तो मैं अपने साथ ये चीजें लेके जाऊंगी. क्या क्या, क्लोथ, चेयर, टेबल्स, बुक्स, सिलेंडर्स, स्टोव, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक एक्सेट्रा. ओके, सो you have to do this question answers in your EVS first notebook. Now move to the story. The family of Mihir lived in the Ranchi village. एक लड़का है मिहिर, उसकी family कहाँ stay करती है students, Ranchi village में. He had a small shop in the village. और मिहिर की एक small shop है कहाँ पे, Ranchi में. He earned only little amount from his shop. और वो बहुत कम earnings होती है उनकी shop से. As he could run his family, his children were growing up. अब उनकी जो earnings है वो काफी कम है और day by day उनके children grown up हो रहे हैं. One day his cousin came to the village and took both of his son along with him for working in his shop. एक दिन क्या हुआ, मीर का कोई cousin आया, मीर का कोई कजन आया और उनके दोनों, मीर के जो सन थे उन दोनों को वो अपने साथ ले गया. क्यों ले गया, फॉर वर्क. मीर सन देवा, मीर का जो फर्स्ट बेटा था उसका नाम था देवा. देवा वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, देवा को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था. एट दैट टाइम ही हैड टू फेस मच प्रॉब्लम्स लाइक लिटिल मनी प्लेस फॉर बिजनेस. जब देवा ने सोचा ही वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस, तो उसने उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, उसने उस टाइम ये प्रॉब्लम फेस की, क्या मनी की प्रॉब्लम फेस की थी. बट ही डिड नॉट लूज कॉन्फिडेंस, पर उसने जो अपनी कॉन्फिडेंस और होप है उसको कभी भी नहीं छोड़ा. एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, और जो मिहिर और देवा के जो रिलेटिव्स थे ना, उन्होंने काफी मीर के बेटे की हेल्प की थी. थस His business started running well. और जैसे उसने हिम्मत करा, कॉन्फिडेंस रखी, होप रखी, और उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब उसका धीरे धीरे बिजनेस अच्छा होने लगा. He called his family here. He made all arrangements for education of younger brother and sister. फिर देवा ने क्या किया, देवा ने अपनी जो भी भाई बहन है उनको यहाँ बुला लिया for their higher education. Now they are running their own business, but still today they miss their family and village. अब वो आ तो गए हैं यहाँ, but still वो अपनी family और village को काफी miss कर रहे. They visit their village on special occasions. अब वो अपनी family के साथ time spend करने, जब भी कोई festival आता है, occasion आता है,
तो वो विलेज जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। आई रिपीट इट अगेन, द फैमिली ऑफ मीर लिव्ड इन अ रांची विलेज। जो मीर की फैमिली है वो कहाँ रहती है, रांची में रहती है। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज, और वहां पे उसकी एक शॉप होती है वो काफी छोटी होती है। ही अर्न ओनली लिटिल अमाउंट फ्रॉम हिज शॉप एज मच एज ही कुड रन हिज फैमिली, और उसकी जो शॉप है उससे अर्निंग्स काफी कम होती है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है अपना जो भी घर का चलाना होता है। हिज चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, जो उसके चिल्ड्रन है अब वो बड़े हो रहे। वन डे हिज कजन केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलोंग विद हिम फॉर वर्किंग इन दिस शॉप। एक दिन उनका कजन आया, उनके दोनों बेटे को अपने साथ ले गया। क्यों ले गया? अपनी शॉप में वर्क करने के लिए। लेटर मिहिर सन, जो मीर का सन था देवा, देवा वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। देवा को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, बट उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे। स्टिल देवा ने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ी थी, बट ही डिड नॉट लूज कॉन्फिडेंस। उसने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, उसको हमेशा होप थी कि मैं अच्छा करूंगा। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, और जो देवा अमीर का जो बेटा है देवा, उसको उसको काफी हेल्प मिली थी। किससे? रिलेटिव्स से। थस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और धीरे धीरे उसका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, और फिर उसने अपनी फैमिली को अपने साथ बुला लिया था जहां पे वो रहता था। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और जो देवा की यंगर ब्रदर था और सिस्टर था उसने सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं उनकी स्टडीज के लिए। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, अब देवा खुद का बिजनेस को रन कर रहा है। बट स्टिल टूडे दे मिस देयर फैमिली एंड विलेज, बट स्टिल वो अपनी फैमिली को और विलेज को काफी मिस करते हैं। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन, और वो लोग विलेज कब जाते हैं? जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो वो अपने विलेज जाते हैं टाइम स्पेंड करने अपनी फैमिली के साथ। नाउ नेक्स्ट, नाउ मूव टू दी क्वेश्चन आंसर्स। ट्राई टू फाइंड आउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 इयर्स नियर बाय यू। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपके अपने जो नेबरहुड है उसमें देखना है कि कौन आपके आसपास में 10 सालों में नियर बाय यू मतलब रह रहा है। फाइंड आउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 इयर्स नियर बाय यू, आपके घर के आसपास किनको 10 साल हो गए रहते हुए और किनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं आपके एरिया में रहते हुए। सो यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन आंसर, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड द फैमिलीज वो फ्रीक्वेंटली चेंज देयर होम्स एंड प्लेसेस। पीपल वो लिव इन देयर ओन हाउसेस हैव बिगर रूम्स, बट पीपल वो चेंज देयर प्लेस ऑफ लिविंग एंड लिव इन ए रेंटेड हाउस हैव स्मॉलर रूम्स। स्टूडेंट्स जिनका खुद का घर होता है उनके रूम्स काफी बड़े बड़े होते हैं, बिगर रूम्स होते हैं, और जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके रूम्स एज कम्पेयर टू बिगर रूम्स छोटे होते। क्यों? क्योंकि वो लोग रेंट पे रहते हैं और रेंट के जो रूम्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। पीपल वो लिव इन देयर ओन हाउस, जो खुद के घर में रहते हैं उनके रूम्स काफी बड़े बड़े होते, बट जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते मतलब माइग्रेट करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, और अगर वो वहां पे रेंट पे रहते हैं तो उनके रूम्स काफी छोटे होते हैं। वो चेंज देयर प्लेस ऑफ लिविंग एंड लिव इन रेंटेड हाउसेस हैव स्मॉलर रूम्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिलीज गो टू देयर विलेज फॉर फार्मिंग इन रेनी सीजन। जो फैमिलीज विलेज विच फैमिलीज गो टू देयर विलेज फॉर फार्मिंग इन रेनी सीजन, ऐसी कौन सी फैमिलीज है जो रेनी सीजन में विलेज में जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन फैमिली लीव देयर होम एंड लिव इन देयर फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर। वो रेनी सीजन में क्यों वहां पे जाते हैं? स्टूडेंट्स अगर बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर का जो वर्क होगा काफी अच्छा होगा। उस टाइम में क्या होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप्स ग्रोन होती है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रोन होते हैं। तो जो भी फैमिली सिटी में रहती है वो
उस टाइम माइग्रेट हो जाते हैं विलेज में, क्यों? फॉर देयर एग्रीकल्चर. ड्यूरिंग रेनी सीजन फैमिली लीव देयर होम एंड लिव इन देयर फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर. वो क्यों जाते हैं? फॉर एग्रीकल्चर. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर ईवीएस नोटबुक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल, हु बाय देयर नेसेसरी थिंग्स. जो फिर वो स्कूल कैसे जाते हैं, उनकी जो नेसेसरी बेसिक नीड्स होती है उनको फुलफिल कौन करता है. एनी एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली टेक्स द चिल्ड्रन टू द स्कूल और चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल. या तो क्या होता है, वो स्कूल चले जाते हैं और नहीं तो वो स्कूल नहीं जाते हैं. लेडीज एंड एल्डर्स ऑफ देयर फैमिली ब्रिंग द थिंग्स ऑफ डेली यूज. उनके घर में जो लेडीज होती है या एल्डर्स होते हैं वो उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं. लेडीज एंड एल्डर्स ऑफ देयर फैमिली ब्रिंग द थिंग्स ऑफ डेली यूज. आई रिपीट इट अगेन स्टूडेंट्स. फाइंड आउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 इयर्स नियर बाय यू. आपको ये देखना है कि आपके एरिया में कौन 10 इयर्स से ज्यादा हो गए उनको रहते हुए और मोर देन 10 इयर्स और 10 साल से भी ज्यादा. सो यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. What is the difference between and the families who frequently change their homes and places? क्या होता है, जो अपने खुद के घर में रहते हैं उनके घर काफी बड़े होते हैं, पर अगर वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और वो वहां पे रेंट पे रूम लेते हैं, तो रेंटेड रूम्स होते वो काफी स्मॉलर होते एज कम्पेयर टू बिगर रूम्स. Which families go to their village for farming in rainy season? During rainy season, family leave their home and live in their fields for agriculture. During that time, जब उनकी families चली जाती है village में, तो उनके children की कौन help करता है? उनके children की जो घर की ladies होती है, elders होते हैं, वो उनकी help करते हैं और उनकी जो भी daily basic needs होती है उनको fulfill करते हैं. Students, try to find this question answers you have to do in your EVS notebook. Okay? Do this question answers in your EVS notebook and first question is your homework. That's all for today. Thank you, class.